रेसलमेनिया के हिस्ट्री के कौन से हैं टॉप 7 सबसे अच्छे दिखने वाले स्टेजेस जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और ये वीडियो पता नहीं कितने समय से डिमांड में थी कि भाई रेसलमेनिया के स्टेजेस की बात करो, तो डेफिनेटली अगर आप इसके लिए वेट कर रहे थे तो लाइक करें फटाफट जाके, 500 लाइक्स का जो हम यहां पे टारगेट रखेंगे। और क्योंकि रेसलमेनिया रेसलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा स्पेक्टेकल होता है, तो जब भी ये शो होता है WWE अपनी पूरी मेहनत लगाती है इसको अच्छे से अच्छा दिखाए और उतना ही बढ़िया इसका स्टेज भी बनाए। अब अनफॉर्चुनेटली रेसलमेनिया 36 में वो चीज़ प्रॉब्ली उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो परफॉर्मेंस सेंटर से होने वाला, लेकिन आज मैंने 7 ऐसे स्टेजेस निकाले हैं जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। अब इसका छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि जो ये 7 नाम है एज सच कोई रैंकिंग में नहीं है कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे मेरे को बेस्ट लगता है, लेकिन ये सारे ही स्टेजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर थे। और नंबर 7 पे यहां पे आता है रेसलमेनिया 24 का सेट जो कि हुई थी ऑरलैंडो सिट्रस बोल फ्लोरिडा में। अब मेरे हिसाब से ये सेट इतना अच्छा इसलिए था क्योंकि जिस साइड से एंट्रेंस हो रही थी वहां पे WWE ने एक बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर बना रखा था और ऑलमोस्ट वो सारा का स्ट्रक्चर जो था वो स्क्रीन की तरह काम कर रहा था, तो एंट्रेंसेस अलग ही लेवल की लग रही थी। रैंप काफी लंबी थी जो कि हमेशा हम चाहते हैं कि रेसलमेनिया में हो क्योंकि वो उसको एक अलग सेट देती है, बिल्कुल लुक देती है उसको डिफरेंट। और ऊपर से जो ये रिंग के ऊपर का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया था वो बिल्कुल फ्लोरिडा के बीचेस की तरह वैसे ही बनाया गया था जैसे कि हमको बीचेस में देखने को मिलता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा सेट था। लाइटिंग इसकी काफी अच्छी थी और मुझे काफी अच्छा लगा। नंबर 6 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है रेसलमेनिया 32 का सेट जो कि हुई थी AT&T स्टेडियम फ्रॉम ऑरलिंगटन टेक्सस। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे गाइस ये कमाल इसलिए था क्योंकि WWE ने रेसलमेनिया का ऑल टाइम अटेंडेंस रिकॉर्ड तोड़ा था इस पे पर व्यू में। ये शो उतना अच्छा नहीं था लेकिन इसका सेट काफी अच्छा था। यहाँ पे टेक्सस को जो है पूरे तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया था क्योंकि जो इसका लोगो था उसके अंदर हमें एक स्टार देखने को मिलता है जो कि टेक्सस लोन स्टार को सिग्निफाई करता है, बेसिकली टेक्सस सिटी के फ्लैग को सिग्निफाई करता है। और रेड ब्लू और व्हाइट 3 कलर्स इस शो के अंदर यूज करे गए थे। और मैं कहना चाहूंगा एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट लाइटिंग और पायरो हमें इस शो के अंदर देखने को मिला। ये स्टेडियम ही अपने आप में इतना ज्यादा बड़ा था कि WWE के पास बहुत ज्यादा जगह थी इसको अच्छा बनाने की, तो उन्होंने बिल्कुल वही चीज करी जो रिंग के ऊपर हमें यहां पे देखने को मिला था, वो था ह्यूज LED स्क्रीन्स, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा स्टेडियम बहुत ज्यादा बड़ा था, लोग बहुत दूर दूर बैठे थे, तो उनको एक अच्छा व्यू देने का कि रिंग में चल क्या रहा है। WWE ने चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा दी थी और काफी मेहनत करी थी कि वो विजुअली भी बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी लगे। नंबर 5 पे आता है गाइज रेसलमेनिया 30 का सेट जो कि हुई थी मर्सिडीज बेंज सुपरडोम से न्यू ओरलींस में। अब ये एक मेमोरेबल रेसलमेनिया है क्योंकि यहां पे अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी, डैनियल ब्रायन WWE और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए थे, लेकिन इसका जो सेट था वो बहुत ही ज्यादा कमाल था। जो इसकी एंट्रेंस वाली साइड थी वहां पर भी हमें देखने को मिला था कि जो इसका लोगो है उसी को पूरे तरीके से सेट में यूज करा गया था और वो इतना ज्यादा कमाल लग रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक लोगो किसी शो का ऐसे पूरे सेट के अंदर यूज किया जा सकता है कि उसको इतना अच्छे से वहां पर रिप्रेजेंट करा जाए। और WWE वो चीज जो है वो करने में बिल्कुल सक्सेसफुल रही थी। और इसकी जो रैंप थी उसमें भी साइड में LED स्ट्रिप्स लगी हुई थी और मैं हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूं कि रैंप के अंदर भी हमें लाइट्स देखने को मिले। रिंग के ऊपर फिर से नॉर्मली WWE ने स्क्रीन्स लगा दी थी, यहां पे एज सच कोई स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करा था, लेकिन जो ओवरऑल व्यू लग रहा था स्टेडियम का वो था काफी कमाल। अगले नंबर पे आता है गाइस रेसलमेनिया 26 का सेट जो कि प्रोबेबली लोग कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलमेनिया है। ये थी फीनिक्स स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेडियम इन एरिजोना। तो यहां पे बेसिकली WWE ने करा क्या था, एक पिरामिड टाइप बनाया हुआ था, पूरा रिंग के दूर दूर से जो है वो बड़े बड़े पिलर्स आ रहे हैं और रिंग के ऊपर जो है वो पिरामिड बन रही है। और यहाँ पे गाइस मैंने जब पढ़ा इस सेट के बारे में थोड़ा डिटेल में जाके, तो मुझे पता लगा कि जो सबसे ज्यादा पायरो टेक्निक्स हैं यानी कि जो सिस्टम्स लगते हैं लाइट के और पायरो के बाकी सारी चीजों के डिजाइनिंग में, वो इस शो में WWE ने सबसे ज्यादा यूज करे थे। तो पूरी मेहनत उनकी लगी थी इस शो को अच्छे से अच्छा बनाने में, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्राउड में किस तरीके की लाइटिंग हुई थी तो बहुत ही ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, कुछ येलो और ऑरेंज उसकी फीलिंग पूरी दी गई थी। और जो एंट्रेंस वाली साइड थी वहां पर भी पिरामिड के फॉर्म में जो है वो LED बोर्ड्स लगा रखे थे, तो बहुत ही इनसेन सेट था रेसलमेनिया 26 का। और डेफिनेटली काफी ज्यादा पैसा जो यहाँ पे WWE ने खर्चा होगा, ऊपर से जो कि चीज मुझे पसंद है यहाँ पे रैंप पे जो है लाइट्स वाइट्स लगा रखी थी, तो वो मेरे को हमेशा से ही बहुत ज्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। अगले नाम की हम बात करें इस लिस्ट में तो वो है गाइज रेसलमेनिया 25 का जो कि हुई थी रिलायंट स्टेडियम टेक्सस से। तो ये भी सिमिलर थी रेसलमेनिया 32 के जो कि टेक्सस में हुई थी और इसकी थीम
जो थी उसी लोन स्टार के ऊपर थी। यहाँ पे WWE ने रेड कलर का कोई इस्तेमाल नहीं करा था, ब्लू और व्हाइट कलर का इस्तेमाल करा था। इसकी रैंप मुझे कमाल ही लगी थी, कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, लेकिन जो उस पर जॉन सीना की हमें एंट्रेंस देखने को मिली थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो विजुअल अपील थी इस सेट की वो बहुत अच्छी थी, जबकि इन्होंने कोई स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करा था रिंग के चारों तरफ, तब भी मुझे सेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और ऊपर से 25th एनिवर्सरी थी रेसलमेनिया की, तो यहाँ पे WWE को कुछ ना कुछ स्पेशल करना था, उसको दिखने में जो है एक स्पेक्टेकल की तरह बनाना था, और डेफिनेटली मेरे हिसाब से उस चीज को करने में WWE सक्सेसफुल थी। अगले सेट की हम बात करते हैं तो वो था रेसलमेनिया 29 का, जो कि हुई थी मेटलाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क में। अब जबकि मैंने आपको बोला था कि ये लिस्ट जो है किसी ऑर्डर में नहीं है मेरा बेस्ट या फेवरेट, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि ये वाला जो सेट है मेरा पर्सनली द फेवरेट सेट है रेसलमेनिया का ऑफ ऑल टाइम। मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई सेट रेसलमेनिया का आज तक बना नहीं है, और इसलिए क्योंकि न्यूयॉर्क में थी तो न्यूयॉर्क सिटी मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जबकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मेरा बहुत लगाव है उस सिटी से, और इस समय डेफिनेटली वो बहुत बुरी सिचुएशन में, उसके लिए हम प्रे कर रहे हैं। लेकिन इस सेट की मैं बात करूँगा गाइस, तो न्यूयॉर्क के जितने भी पॉपुलर एलिमेंट्स हैं जो कि 3 हैं, एक है ब्रुकलिन ब्रिज, दूसरा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और तीसरा है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, WWE ने बेसिकली इन तीनों को उठाया और इसी के अराउंड जो है ये सेट बिल्ड करा, और विंस मैकमैन ने खुद इसको अपनी यूट्यूब वीडियो पर रिवील करा था, और ये अमेजिंग लग रहा था क्योंकि सिंपलिस्टिक था, लेकिन जिस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करा गया, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है रिंग के ऊपर, एंट्रेंस वाली साइड पे ब्रुकलिन ब्रिज है और उसके पीछे चमक रही है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, तो ये एक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मास्टरपीस ऑफ अ सेट है, और जिसका भी ये आइडिया था वो इनक्रेडिबल है इंसान, क्योंकि ऐसा सोचना जो है और इंप्लीमेंट करना है काफी ज्यादा है मुश्किल। और फाइनली गाइस जो नंबर 1 पे मैंने इस लिस्ट में रखा है नाम, वो है रेसलमेनिया 33 जो कि हुई थी कैंपिंग वर्ल्ड स्टेडियम फ्लोरिडा में। अब ये पे पर व्यू ओके था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसका सेट तो भाई क्या ही बना दिया WWE ने, क्योंकि यहाँ पे जो पायरोटेक्निक्स थे, जिस तरीके से फायरवर्क चल रहे थे, ऐसा लग रहा था जो सबसे ऊपर बैठे हैं शायद वो जल वल ना जाए भाई, क्योंकि इतने ओवर पायरो WWE ने यूज करा था कि सारा पैसा जो बचा कुचा था वो लगा दिया पायरो में। लेकिन ऑन द प्रोडक्टिव साइड जो कि WWE ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया, इसको एक थ्रिल राइड की तरह बोला जा रहा था, और WWE ने बिल्कुल वैसा ही किया, पूरा एक रोलर कोस्टर टाइप सेट बना रखा था, और ये इतना ज़्यादा अच्छा था, इसकी फोटोज़ पहले ही आने लग गई थी शो से पहले, तो हम जानते थे कि WWE कुछ ऐसा अमेजिंग सा ही कुछ बिल्ड कर रही है। और जब वो लाइट्स वाइट्स के साथ हमें फाइनली देखने को मिला था गाइस, तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि अनडाउटेडली ये भी वन ऑफ द बेस्ट स्टेजेस है इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलमेनिया। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो WWE ने स्टेज के ऊपर एक रिंग बना रखी थी, जो कि बेसिकली बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था कि ऊपर भी एक रिंग बनी हुई है और उसकी सारी रोप्स जो हैं वो LED लाइट्स थी, तो इनक्रेडिबल एक बार फिर से इम्प्लीमेंटेशन, लाइट्स, पायरो, स्टेच, डिज़ाइन, रैंप, इसकी भी LED थी, हर चीज़ में रेसलमेनिया 33 का जो सेट है वो डेफिनेटली डिजर्व करता है। मेरा पर्सनल रेसलमेनिया 29 इज़ द बेस्ट, लेकिन ये भी जो है उससे बिल्कुल कोई कम नहीं है। तो गाइस ये थे टॉप 7 रेसलमेनिया सेट्स ऑल टाइम। अगर आपको लगता है मैंने कोई मिस कर दिया तो अपना उस सेट का रिव्यू मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।